तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में लगाए जाने वाले कुछ टमाटर की बेस्ट वैरायटी के बारे में, जो कि गर्मी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देते हैं। और जहां पर दोस्तों कुछ टमाटर की किस्मों में ऐसा होता है, गर्मी में जब रेट अच्छा होता है तो उस समय उन वैरायटी में फूल फल ख़त्म हो जाते हैं, या फिर दोस्तों फूल आता भी है तो वह झड़ जाता है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, दोस्तों आज हम जिन टमाटर की वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं उन वैरायटी में उत्पादन तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन टमाटर से उत्पादन लेना दोस्तों आपके ऊपर निर्भर होता है, जैसे कि दोस्तों खाद, पानी, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड के सही यूज़ से। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले वैरायटी है दोस्तों सिजेंटा कंपनी की 1057। दोस्तों यह टमाटर गर्मी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देता है और दोस्तों इस टमाटर के फल गोल अंडाकार होते हैं और दोस्तों इस टमाटर का छिलका काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और इसके साथ ही दोस्तों इस टमाटर में रोगों के प्रति रोग प्रतिरोध क्षमता भी ज़्यादा है, यानी कि दोस्तों इस टमाटर में जो फंगस और बैक्टीरिया के कारण रोग होते हैं वह काफ़ी कम होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस वैरायटी के टमाटर के एक पौधे से हमें लगभग 12 से 15 किलो का उत्पादन मिलता है। और वहीं बात करें इसकी प्राइस की, तो दोस्तों इसका 10 ग्राम का जो पैकेट होता है वह लगभग दोस्तों 1800 से 1900 के बीच होता है। और दोस्तों इसका प्राइस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि दोस्तों इसमें रोग बहुत कम होते हैं और उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरी वैरायटी के बारे में। तो दोस्तों हमारी दूसरी वैरायटी है सिंजेंटा कंपनी की 6242। तो दोस्तों यह टमाटर भी गर्मी के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील है और दोस्तों यह टमाटर 40 से 42 डिग्री तापमान में जब दूसरी वैरायटी में फूल फल बंद हो जाते हैं या फिर झड़ जाते हैं तो इस वैरायटी में उस समय भी काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। और इसका फल का वजन दोस्तों 90 से 100 ग्राम के बीच होता है और इसका फल भी गोल अंडाकार होता है। दोस्तों वहीं बात करें इसके प्राइस की, तो इसका 10 ग्राम का जो कीमत होता है दोस्तों वह लगभग 1800 से 1900 रुपये के बीच होता है। और इसके बाद दोस्तों हमारी जो तीसरी वैरायटी आती है दोस्तों, तो वह है दोस्तों सेमिनिस की माणिक। दोस्तों यह टमाटर भी एक हाइब्रिड किस्म का होता है और इस टमाटर को भी आप गर्मी के मौसम में अधिक उत्पादन के लिए लगा सकते हैं। और दोस्तों आप इस टमाटर को 38-40 या फिर दोस्तों उससे ऊपर के तापमान वाले राज्यों में भी लगा सकते हैं और दोस्तों इस टमाटर से भी उत्पादन हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है और इसका एक पौधे से हमें 15 किलो से ऊपर का उत्पादन मिलता है। और दोस्तों इस पौधे की ऊंचाई 6 से 8 फीट के पास होती है और इसके फल दोस्तों लाल रंग के होते हैं और साथ ही इसके फल दोस्तों गोल होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसका फल का वज़न 90 से 100 ग्राम के बीच होता है। और दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की, तो इसका 10 ग्राम का पैकेट दोस्तों हमें 550 से 600 रुपीस के बीच मिलता है। और इसके बाद दोस्तों जो चौथे नंबर पर वैरायटी आती है वह भी है दोस्तों सेमिनिस की अंसल। तो दोस्तों यह टमाटर भी एक हाइब्रिड वैरायटी का है और गर्मी में दोस्तों इस टमाटर से भी अधिक उत्पादन मिलता है और इसके फल का वजन दोस्तों 90 से 100 ग्राम के बीच होता है और साथ ही इसका फल गोल अंडाकार होता है। और दोस्तों इस टमाटर से 38 से 40 डिग्री तापमान में भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हमें मिलता है। और इस टमाटर का दोस्तों एक फ़ायदा यह भी होता है कि इसके सभी फल एक समान होते हैं। और दोस्तों बात करें इसके प्राइस की, तो इसका 10 ग्राम का जो पैकेट होता है उसका कीमत दोस्तों 1200 रुपीस के पास होती है। अब इसके बाद दोस्तों बात करें पांचवी वैरायटी की, तो इसके बाद दोस्तों पांचवे नंबर की वैरायटी है सिजेंटा कंपनी की साहू टमाटर। तो दोस्तों गर्मी में साहू टमाटर सबसे ज़्यादा लगाया जाता है क्योंकि दोस्तों यह टमाटर भी गर्मी के प्रति सहनशील होता है और ज़्यादा तापमान में अच्छा उत्पादन देता है। और इसके साथ ही दोस्तों इस टमाटर का छिलका मोटा है जिससे दोस्तों यह ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काफ़ी सही होता है। और इसका फल दोस्तों गोल आकार का होता है और इसके पौधे की ऊंचाई दोस्तों 5 से 6 फीट के पास होती है। और इसका जो फल होता है वह काफ़ी ज़्यादा ठोस होता है और इसके फल में दोस्तों शाइन भी काफ़ी ज़्यादा होती है और जिससे दोस्तों मार्केट में इसके काफ़ी अच्छे दाम हमें मिलते हैं। और दोस्तों इसके फल का औसतन वजन 90 से 100 ग्राम के बीच होता है और दोस्तों इसका 10 ग्राम का जो पैकेट होता है वह लगभग 900 से 1000 रुपीस के बीच होता है। और दोस्तों जिन राज्यों में तापमान 40-42 या फिर दोस्तों उससे ऊपर का होता है तो उन राज्यों में भी दोस्तों इस टमाटर से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हमें मिलता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों BASF का RAF1। यह टमाटर भी दोस्तों एक हाइब्रिड किस्म का है और यह टमाटर भी गर्मी में अच्छा उत्पादन देता है। और दोस्तों यह टमाटर भी गर्मी के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील होता है और इसके फल का वजन दोस्तों 90 से 100 ग्राम के बीच होता है। और इसके साथ ही इसका फल दोस्तों गोल होता है और गोल होने के साथ साथ ठोस भी होता है। और दोस्तों 40-42 डिग्री तापमान में इस टमाटर से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन हमें मिलता है और इसका 10 ग्राम का पैक दोस्तों 500 से 600 रुपीज़ के बीच होता है। और इसके बाद आता है दोस्तों क्लाउस कंपनी का PRISI F1। इस टमाटर का 10 ग्राम का पैक दोस्तों 450 से 500 रुपीज़ के बीच होता है और इसका फल दोस्तों अंडाकार होता है।
और दोस्तों गर्मी में इस टमाटर से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन हमें मिलता है और इसके फल का वजन दोस्तों 90 से 100 ग्राम के बीच होता है और इसका फल भी दोस्तों ठोस होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ टमाटर की वैरायटी जिन्हें लगा के आप गर्मी में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों आपको टमाटर का रेट गर्मी के मौसम में ही मिलता है, इसलिए दोस्तों आप इन वैरायटी में से किसी भी वैरायटी को फरवरी से मार्च तक लगा सकते हैं, जिससे कि दोस्तों मई जून में आपको इनसे उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इन टमाटर की वैरायटी की नर्सरी आप अपने एरिया के हिसाब से डाल सकते हैं। और इन वैरायटी में से दोस्तों मैंने साहो, माणिक, अंसल को उपयोग किया है, जिनका रिजल्ट दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा मिला था। दोस्तों यह वीडियो केवल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ही बनाया है। आप इस वीडियो में बताए गए टमाटर को अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप अपने एरिया के हिसाब से जो टमाटर आपके एरिया में सूट करता है आप उस टमाटर को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।